देखिए, जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए जो JDBC अप्रोच हमारे सामने दिया गया है, इस JDBC अप्रोच को यूज करते हुए हम जावा के प्रोग्राम से डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर JDBC में काम करने के लिए JDBC की रिलेटेड जितनी भी APIs हैं वो आपको जावा के SQL पैकेज के अंदर है। तो आप जावा डॉक कमांड का यूज करके जावा SQL पैकेज से जावा की JDBC की सारी APIs एक ही करके निकाल सकते हैं। वहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन सी APIs हैं। फिलहाल यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमने इंपोर्ट कर लिया SQL पैकेज, क्योंकि वहाँ पे JDBC की सारी APIs हैं। और फिर हमने क्लास बना दिया माई फर्स्ट डीबी कॉन, ये मैंने एक क्लास क्रिएट कर लिया। ये जो हमारी क्लास है, इस क्लास में डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ डॉट जावा एक्सटेंशन से, तो डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब ये जो हमारी जावा फाइल है इसमें मेन मेथड क्रिएट करेंगे हम। अंदर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले JDBC के कनेक्टिविटी का पहला स्टेप परफॉर्म करना होगा। पहला स्टेप जो होता है वो होता है रजिस्टर द ड्राइवर विद ड्राइवर मैनेजर। तो देखिए, यहाँ पे एक SQL ऑपरेशन करने जा रहे हो, चेक्ड एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। सो आप क्या कर लीजिएगा, हमेशा ट्राई और कैच यूज करिएगा। ट्राई कैच से जो भी एक्सेप्शन आएगा आपको यहाँ पता चल जाएगा। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल में एक्सेप्शन को प्रिंट करा के रख लीजिए। यहाँ पे मैंने आर को प्रिंट कर लिया कि जैसे एक्सेप्शन आएगा वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। फिलहाल सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, लिखेंगे ड्राइवर मैनेजर और उसका स्टैटिक मेथड है रजिस्टर ड्राइवर। रजिस्टर ड्राइवर हम डायरेक्ट ये यूज कर रहे हैं और यहां से हम MySQL डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे। देखिए, MySQL डेटाबेस से कैसे कनेक्टिविटी करना है और MySQL डेटाबेस कैसे इंस्टॉल करना है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर मिलेगा, आप देख लीजिएगा कैसे MySQL डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं। मेरे पास देखिए यहाँ पे सेटअप पड़ा हुआ है, ये सेटअप जैसे मैंने डबल क्लिक किया था ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। साथ ही साथ मैंने ये MySQL का कनेक्टर भी यहां से उठाया हुआ है या नेट से। मेरा MySQL मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ है, आप यहां देख सकते हैं ये MySQL डेटाबेस है। और इसे मैं यहां पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाऊंगा और इसके फॉन्ट में जाके इसका फॉन्ट थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसे बड़ा कर लिया और इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ। मेरा जो इंटर पासवर्ड ये मांग रहा है, रूट पासवर्ड है मेरा, तो यहाँ मैं एंटर कर दूंगा। अब ये MySQL डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है मुझे, क्योंकि मेरे पास MySQL है। आपके पास हो सकता है ओरेकल हो सकता हो, DB2 हो, जो भी डेटाबेस हो उस डेटाबेस का ड्राइवर लेके आइए। तो पहले तो मैं आपको वो ड्राइवर दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये जो जार फाइल है मेरे पास, इस जार फाइल पे राइट क्लिक करके आप यहाँ एक्सट्रैक्ट करिए। देखिए यहाँ पे विनरार सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं है, नहीं तो एक्सट्रैक्ट हो जाता। मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे CMD लिख के एंटर कर देता हूँ। और जार नाम का एक टूल होता है, कमांड होता है, और इसका XVF करके कमांड होता है। और यहाँ पे MySQL कनेक्टर मैं लिख के एंटर मारूंगा, तो MySQL कनेक्टर की जार फाइल ये एंटर कर दूंगा। तो ये जार कमांड से भी अनजार हो जाता है। आप सोच रहे होंगे ये अनजार मैं क्यों क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि जब आप MySQL का करेक्टर अनजार करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकेंगे कि यहाँ पे एक फोल्डर हमें मिलेगा जिसका नाम होगा, यहाँ पे देखिए कॉम, फिर होगा MySQL, फिर होगा JDBC। और JDBC के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब हैं डॉट क्लास फाइल, उसमें से एक क्लास है ड्राइवर, तो ये ड्राइवर एक क्लास है। तो जब भी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे न्यू कॉम डॉट MySQL डॉट JDBC और उसके अंदर हमारे पास है ड्राइवर। सो ये ड्राइवर हम यूज करेंगे और इसके आगे पैरेंथेसिस, क्योंकि हम उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो पैरेंथेसिस लगाएंगे एज अ कंसेप्टर, जैसे कंसेप्टर कॉल करते हैं। ये स्टेप जो हमने किया है, ऐसा करने से ड्राइवर हमारी ड्राइवर का ड्राइवर मैनेजर से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसी ड्राइवर मैनेजर का ही एक मेथड होता है, स्टैटिक मेथड है गेट कनेक्शन। सो गेट कनेक्शन मेथड क्या करता है, ड्राइवर मैनेजर का आपसे URL मांगता है कि कौन सा डेटाबेस आप यूज करना चाहते हो, जो डेटाबेस यूज करना चाहते हो उसका URL दो।
तो मैंने कहा कि भाई मैं JDBC के अंदर MySQL यूज करना चाहता हूँ। तो JDBC जावा का प्रोटोकॉल, MySQL का प्रोटोकॉल, कॉलन डबल स्लैश, यहाँ पे हमें अपनी मशीन, जहाँ पे हमारा डेटाबेस है लोकल मशीन पे है, तो लोकल होस्ट लिख दिया, और मेरे डेटाबेस का पोर्ट नंबर है 3306, 3306 वो दे देना होगा। ये आपको डिसाइड करना होगा, देखना होगा कि आपका डेटाबेस लोकल मशीन पे है या कहीं होस्टेड है। अगर होस्टेड है तो आईपी डालेंगे, और 3306 पोर्ट है या नहीं, एंड देन उसके बाद डेटाबेस का नाम। देखिए जब MySQL डेटाबेस आप ओपन कर लेंगे पासवर्ड देके, तो यहाँ एक डेटाबेस क्रिएट करना होता है। तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम यहाँ पे दे देता हूँ, उससे हमने दे दिया एपेक्स, ठीक है। सो यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, एंड यूज, यहाँ से हम यूज करेंगे एपेक्स करके डेटाबेस यूज कर लेंगे। सो हमें यहाँ पे कहीं कहीं डेटाबेस का नाम जो देना होगा वो एपेक्स यहाँ लिखना होगा, एंड यूजर नेम हमारा बाय डिफॉल्ट यहाँ रूट होता है, एंड पासवर्ड मैंने यहाँ पे रूट डाला हुआ था इंस्टॉलेशन टाइम पे। सो उस डेटाबेस के लिए हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा कनेक्शन। सो इसको हम कनेक्शन सी वेरिएबल में होल्ड कर लेंगे। कनेक्शन एक इंटरफेस है, तो कई लोग कनेक्शन कौन लिखते हैं, कौन लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है, यहाँ पे सी लिख दो, ए लिख दो, बी लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब ये कनेक्शन को हम जरा प्रिंट करा के देखते हैं कि हमारे ड्राइवर का, ड्राइवर में से रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ कनेक्शन बना या नहीं बना, क्योंकि JDBC कनेक्टिविटी में ड्राइवर को रजिस्टर करने के बाद कनेक्शन इस्टेब्लिश करके प्रिंट जरूर कर लेना चाहिए और चेक कर लेना चाहिए कि ये आपका कनेक्शन बना या नहीं। तो यहाँ से हम CMD चलाएंगे, डेस्कटॉप पे जाके जावा सी माई फर्स्ट DB इसे कंपाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहीं एरर है, पब्लिक की स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे फिर से सही कर दिया हमने। और अब देखिए यह कह रहा है कि ये जो पैकेज है कॉम डॉट MySQL डॉट JDBC डज नॉट एग्जिस्ट। सो यहाँ पे मैंने ड्राइवर मैनेजर के अंदर न्यू कॉम डॉट MySQL डॉट JDBC डॉट ड्राइवर, ये पैकेज नहीं मिल रहा है इसे। ये पैकेज इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारी जो ड्राइवर है उस ड्राइवर का क्लास पाथ नहीं सेट है। जो हमारा ड्राइवर यानी MySQL का कनेक्टर की फाइल है, उस MySQL कनेक्टर का क्लास पाथ हमने नहीं सेट करा। अगर आप इक्लिप्स में कर रहे हो तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। सो यहाँ सॉफ्टवेयर में जाएंगे और MySQL का जो कनेक्टर की जार फाइल है इसका क्लास पाथ सेट कर लेते हैं। वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं क्लास पाथ सेट करने के लिए, परमानेंट भी कर सकते हैं, टेम्परेरी भी कर सकते हैं। मैं परमानेंट कर देता हूँ। माई कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज पे जाके एडवांस सिस्टम सेटिंग, और एक बार मैं फिर से बता दूं कि अगर आप कनेक्टिविटी इक्लिप्स से कर रहे हैं तो आपको जार फाइल वहां डाल देना होता है बस। तो यहाँ न्यू में जाके आपको क्लास पाथ वेरिएबल का नाम देना होगा, और पाथ वेरिएबल नहीं क्लास पाथ देना होगा, और यहीं से आपको ये जो जार फाइल है इस जार फाइल का पूरा नाम यहाँ पे लिखना होगा, और डॉट जार एक्सटेंशन के बाद सेमी कॉलन डॉट सेमी कॉलन। तो पहला सेमी कॉलन तो मैंने पाथ सेपरेट करने के लिए लगाया, और डॉट का मतलब मैंने इसलिए बताया कि ताकि करंट क्लास पाथ भी वहाँ जिंदा रहे और फिर आप दूसरा क्लास पाथ यूज कर सको, इसलिए मैंने वहाँ से फिर से सेमी कॉलन लगा दिया। अब फिर से प्रोग्राम कंपाइल कर देते हैं। सो जैसे मैंने दोबारा यहाँ पे प्रोग्राम कंपाइल करा, तो अगेन यहाँ पे देखते हैं हमारा क्लास पाथ सेट हो चुका है या नहीं। तो अगर क्लास पाथ सेट हो चुका है, नहीं देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, जैसे मैंने लिखा क्लास सेट क्लास पाथ तो यहाँ एरर आ रहा है क्योंकि मैंने CMD क्लोज नहीं करा था। क्लास पाथ सेट करने के बाद आप CMD क्लोज कर दीजिए जरूर। और अब जरा देखते हैं, सेट क्लास पाथ, एंटर कर दीजिए। अभी भी देखिए यहाँ पे हमारा क्लास पाथ, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ये देखिए। अब आप देख सकते हैं कि मेरे क्लास पाथ में एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर क्लास पाथ सेट है। तो यहाँ CMD इसलिए क्लोज करते हैं क्योंकि वो पुराने क्लास पाथ को, पुराने सिस्टम को रेफर कर रहा था, तो इस वजह से। अब देख सकते हैं आप, सक्सेसफुली प्रोग्राम कंपाइल हो गया, और कंपाइल होने के बाद अब आप जिसे रन करोगे तो अगर यहाँ पे सब कुछ सही होगा तो यहाँ पे आपको एक कनेक्शन प्रिंट करके दिखाएगा। बिल्कुल ये आ गया, देखिए कॉम डॉट MySQL डॉट JDBC डॉट कनेक्शन। ये कनेक्शन एक इंटरफेस नहीं है, ये कनेक्शन एक क्लास है। तो आप ऐसा बोल सकते हो MySQL के अंदर ड्राइवर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके इन्होंने ड्राइवर क्लासेस बनाई हुई है, उसका नाम भी ड्राइवर रखा है, और कनेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके जो कनेक्शन क्लास बनाई है उसका भी नाम कनेक्शन है। तो यहाँ पे क्लास का नाम @hashcode प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब हमारे प्रोग्राम और डेटाबेस के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। ये जो अप्रोच है
इसमें अगर सपोज करो कि मैं कमांड लाइन से रन टाइम पे चेंज करना चाहता हूँ यूआरएल या नाम, तो नहीं चेंज करना कर सकता, तो इसीलिए इसको कमेंट करूंगा मैं। और यहाँ पे क्लास क्लास का स्टैटिक मेथड है फॉर नेम, और यहाँ पे मैं यही सेम ड्राइवर स्ट्रिंग फॉर्म में दे दूंगा। आप स्ट्रिंग फॉर्म में देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, और नहीं देना चाहते हैं तो आप स्कैनर से इनपुट ले लीजिए, स्ट्रिंग फॉर्म में यहाँ पास कर दीजिए। अब इसे कंपाइल करिए, रन करूंगा, अगेन करेक्शन बन गया। तो इसका मतलब ये हो गया, ये रजिस्ट्रेशन करने का ये तरीका या क्लास डॉट फॉर नेम दोनों सेम है। और यहाँ पे फायदा ये है कि यहाँ पे आप इसे हटा के यहाँ लिख सकते हो SS0, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि आप कौन सा ड्राइवर यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसे मैं चला के दिखा रहा हूँ आपको, कंपाइल एंड रन। जैसे आपने रन करा तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गया, क्योंकि आपने अपने ड्राइवर का नाम कमांड लाइन से जीरो पोजीशन से नहीं पास करा। यहाँ यूजर को मैसेज दे सकते हो कि एंटर द नेम ऑफ ड्राइवर, एंटर द नेम ऑफ ड्राइवर। ठीक है, तो जब आप इसे कंपाइल करेंगे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एंटर द नेम ऑफ ड्राइवर आपसे पूछ रहा है। सो हम ड्राइवर का नाम कमांड लाइन से यहां पे देंगे, कैसे देंगे, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट JDBC डॉट यहां लिख देंगे ड्राइवर। तो जैसे लिख के एंटर मारेंगे आप यहां देख सकते हैं कि हमारा ड्राइवर सक्सेसफुली लोड हो गया। ये काम जो हम यहाँ क्लास डॉट फॉर नेम में रन टाइम पे कर पा रहे हैं ये यहाँ पे नहीं कर पाते, इसीलिए ड्राइवर को ड्राइवर में से रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लास डॉट फॉर नेम वाला अप्रोच हमें प्रेफर करना चाहिए। सो पहला स्टेप हो गया रजिस्ट्रेशन, दूसरा हो गया कनेक्शन को स्टेब्लिश करना। अब तीसरा स्टेप होता है हमारा, जो कनेक्शन हमारा आया है इस कनेक्शन के ऊपर अब हमें चलाना होता है क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन है क्रिएट स्टेटमेंट क्यों और क्रिएट स्टेटमेंट किसका मेथड है। तो अगर आप यहां पे देखिए, ये क्रिएट स्टेटमेंट जो मेथड है ये कौन के ऊपर कॉल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कनेक्शन का मेथड होगा। कनेक्शन का ये मेथड रिटर्न कर देता है हमें स्टेटमेंट, अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो। अगर आपको स्टेटमेंट नहीं चाहिए, आपको प्रिपेयर स्टेटमेंट चाहिए, तो यहीं पे प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड चला सकते हैं। अब ये क्रिएट स्टेटमेंट और प्रिपेयर स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होगा हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये तीसरा स्टेप हमारा हो गया। स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट क्यों जरूरी है, स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट इसलिए जरूरी है ताकि हमारे प्रोग्राम और डेटाबेस के बीच में क्वेरी चलाई जा सके, क्योंकि स्टेटमेंट का मेथड है एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट अपडेट। स्टेटमेंट का ही मेथड है एग्जीक्यूट क्वेरी, तो एग्जीक्यूट अपडेट या एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड को चलाने के लिए ही स्टेटमेंट जरूरी था। और एग्जीक्यूट अपडेट आप तब चलाएंगे जब आप डीएमएल ऑपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए, डीएमएल ऑपरेशन करने के लिए हमें एक टेबल की जरूरत पड़ेगी। यहां पे हम माई एसक्यूएल के अंदर जाके एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट टेबल यूजर नाम से क्रिएट कर लेते हैं, एंड यहां से एक नेम नाम का फील्ड जिसका टाइप यहां से ले लेते हैं वेर कैर, और उसका साइज ले लेते हैं, साथ ही साथ यहां पे एक ईमेल ले लेते हैं जिसका यहां पे टाइप दे देते हैं वेर कैर, और देन आपको जितना फील्ड चाहिए यहां बना के ओके कर दीजिए, आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब इस टेबल में आपको डेटा इंसर्ट करना है प्रोग्राम के थ्रू, सो आप यहां से क्या चलाएंगे, इंसर्ट इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड वैल्यूज, जितनी वैल्यूज आपको इंसर्ट करनी है। ये वैल्यूज हमें दो इंसर्ट करनी है, एक नेम और एक ईमेल। तो नेम दे दिया यहां पे राम, और ईमेल दे दिया हमने यहां पे ram@gmail.com। ये मैंने फिक्स कर दिया, इस स्टेटमेंट के चलने से डेटाबेस में एक रिकॉर्ड इफेक्ट होगा, एक रिकॉर्ड इफेक्ट होते ही एक इंटीजर आएगा। अब इंटीजर में वन आ जाएगा, अगर वन आ गया मीन्स ग्रेटर देन जीरो है, अगर आई ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब ये हो गया रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, ऐसा मैसेज दे सकते हैं, और नहीं तो यहां पे
कुछ एरर मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। अब प्रोग्राम को हम दोबारा कंपाइल करेंगे। यहां से आप देख सकते हैं प्रोग्राम यहां मैंने कंपाइल कर दिया और अब मुझे ड्राइवर का नाम रन टाइम पे भेजना पड़ेगा, तो मैंने भेजते हुए एंटर मारा। तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे मैसेज आ गया इंसर्टेड। अब जरा डेटाबेस में हम चेक कर लेते हैं कि मेरा डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं। तो यहां से सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम है यूज़र, और यहां से देख सकते हैं कि यूज़र टेबल में डेटा हमारा इंसर्ट हुआ या नहीं। सो यूज़र नाम का टेबल है USER, तो सेलेक्ट की स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है, SELECT होगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं राम और ईमेल आईडी यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। तो पहला स्टेप हो गया हमारा यहाँ पे ड्राइवर को लोड करना, फिर कनेक्शन बनाना, स्टेटमेंट लाना, एग्जीक्यूट अपडेट चला के डेटाबेस में एग्जीक्यूट क्वेरी चला देना। एक फाइनल स्टेप जो होता है वो होता है कनेक्शन को क्लोज करना, और वो स्टेटमेंट हमें फाइनली में लिखना चाहिए। सो फाइनली के अंदर हम यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज कर देना चाहिए, और ये कनेक्शन जो है यहाँ से अगर हम फाइनली में यूज करेंगे तो नहीं यूज़ हो पाएगा, इसलिए से हम मेथड लेवल पे यहाँ पे बना लेते हैं, ऊपर स्कोप ग्लोबल कर लेते हैं, और यहाँ पे फाइनली के अंदर अगेन ट्राई और कैच यूज करके, क्योंकि ये भी एक्सेप्शन थ्रोज करता है, तो ट्राई कैच यूज करके आपको यहाँ पे कॉन डॉट क्लोज कर देना चाहिए। सो इस तरह से आप दोबारा प्रोग्राम को चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बार ये डेटा इंसर्ट हो चुका है तो दोबारा इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने कोई प्राइमरी की नहीं बनाई थी। सो ये दो बार इंसर्ट हो गया, आप देख सकते हैं दो बार आपका डेटा इंसर्ट हो गया होगा डेटाबेस में। देखिए इस तरह से हमारा ड्राइवर लोड हो गया, रजिस्टर हो गया, स्टेटमेंट चला, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यहाँ नहीं चला बेसिकली, फिर क्वेरी इंसर्ट हो गई सक्सेसफुल्ली, और ये आपका JDBC के कनेक्शन के स्टेप्स हो गए। बाकी स्टेप हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन